मैंने कल ही ज्वाइन किया है यहाँ पे एज ए डीएसपी। कल एक अभियोग अंकित किया है जिसमें एक झारखंड का लड़का अफीम, जिसकी मात्रा करीब 1.5 किलो है, वो यहाँ से हमारी यूनिट ने पकड़ा है, जिसमें हमारे यूनिट इंचार्ज राकेश कुमार इंस्पेक्टर और तरसीम कुमार सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित थी। वो 1.5 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। ये अफीम झारखंड से लेकर के आया था और ये सप्लाई किसी सोर्स को करनी थी, वो कोई सोर्स था हमारा, हमने उसको तैयार किया था, उसके अकॉर्डिंग हमने इसको बुलाया था यहाँ पे। और इससे पहले इसका भाई, सगा भाई भी पकड़ा गया था, करीब 4-5 लोग थे वो, 2021 में शायद ये अरेस्ट हुआ है, तो पहले से भी इसकी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रही है। अभी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई जो आगे जो प्रोसेस होगा वो कमर्शियल क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना प्रॉपर्टी अटैचमेंट का प्रोविज़न है, वो जैसे भी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी उसके अकॉर्डिंग जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे जो ADGP OP सिंह के निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और हमारे SP साहब अनिल कुमार जी हैं, तो उनकी सख्त निर्देश हमारे को ये है कि किसी भी सूरत में नशा नहीं बिकना चाहिए, क्योंकि नशे से युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। और सबसे पहला हमारा काम है नशा रोकना। हम जो है ना उनको काउंसलिंग करके, जो नशे से पीड़ित लोग हैं उनको काउंसलिंग के ज़रिए या उन जो भी हम कोई प्रोग्राम करके स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम करके उनको थोड़ा अवेयर करेंगे कि ये नशा बहुत बुरी आदत है और ये खतरनाक मोड़ पे हैं। तो पब्लिक से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा पूरा सहयोग करें इसमें, क्योंकि बिना पब्लिक के और ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल होती है कंट्रोल करना, तो पब्लिक का सहयोग मिलता है तो हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया है जो झारखंड से नशा लेके आया था, उसने पूछताछ में बताया कि वो नशा सप्लाई क्यों करता था, वजह क्या थी इसकी, ओवरऑल कैसे इस दलदल में फंसा? नशा सप्लाई करने का मतलब लालच, और उसने पैसा दिया उसको और पैसा देने की बात करी, और किसी बंदे ने उसको दिया और ये कहा कि आप उसको आगे सप्लाई करके आना, आपको फलाना बंदा कोई आदमी मिलेगा वहाँ पे, मैंने उसको फ़ोटो सेंड कर दी आपकी और उस हिसाब से आप उसको दे देना, वो आपको पैसे दे देगा। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील मेरी यही है कि हमारा इसमें सहयोग करें और हम भी तत्पर हैं, 24 घंटे तैयार हैं, पहले भी अच्छे रिकवरी की गई है यूनिट के द्वारा और आगे भी ये जारी रहेगी, और रेड भी की जाती है और स्निफर डॉग से भी सर्च की जाएगी, तो हर तरीके से मदद ली जा रही है।